दोस्तों आज जो लैपटॉप हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो गेमिंग का एक रियल बीस्ट है। जो लैपटॉप हम आज रिव्यू करेंगे वो है एसर का प्रीडेटर हीलियोस 300 जो कि 2021 वाला मॉडल है। इसमें जो प्रोसेसर लगा आता है वो है इंटेल कोर i7 10th जनरेशन वाला, और जो लैपटॉप मैं आज रिव्यू करूंगा उसमें इंटेल कोर i7 10870H लगा होगा जिसमें 1TB की SSD भी साथ में आती है। इसका एक और वर्जन मार्केट में आता है जिसमें आपको 1TB की HDD और 256GB की SSD मिलती है, और उसमें इंटेल कोर i7 10750H लगा होता है जो कि एक हेक्सा कोर प्रोसेसर है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम ऑक्टा कोर यानी कि 8 कोर वाले प्रोसेसर वाले लैपटॉप के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के इस एपिसोड में इस लैपटॉप के फीचर्स देख लेते हैं, इसका प्रॉपर रिव्यू कर लेते हैं, जान लेते हैं इस लैपटॉप के प्रोज एंड कॉन्स, और एंड में हम आएंगे अपने कंक्लूजन पे यानी कि ये लैपटॉप आपको लेना चाहिए या नहीं, और आपके पैसों की ये सही इन्वेस्टमेंट होगी या नहीं। जो लोग नए हैं इस चैनल में, इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस आप लोगों को मिलती रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों हुआ दरअसल ये कि मैं अपने भाई के लिए एक बहुत बढ़िया गेमिंग लैपटॉप सर्च कर रहा था, और जैसे ही मुझे पता लगा कि उसका जो बजट है वो 1 लाख रुपये से ऊपर का है, तो मैंने अपने सर्च का दायरा जो है वो बढ़ा लिया, और जो लैपटॉप मुझे दिखा ऑनलाइन वो बहुत ही बढ़िया बिल्कुल फीचर्स से पैक्ड लैपटॉप था, जिसके ऊपर मैंने काफ़ी रिसर्च की, और मुझे फाइनली लगा कि अगर हम 1 लाख से ऊपर का पैसा इस लैपटॉप पे लगाते हैं तो इस लैपटॉप को ख़रीद के काफ़ी सालों तक ये लैपटॉप हमारा साथ दे सकता है, क्योंकि इसमें एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी लगी हुई है और ये लैपटॉप हमारी गेमिंग नीड्स को भी बहुत ही बढ़िया तरीके से ये सेटिस्फाई कर सकता है। तो फाइनली हो सकता है हम यही लैपटॉप लें। अगर ये लैपटॉप फाइनली लिया जाता है तो इसके अनबॉक्सिंग वगैरह सब इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर डिसीजन चेंज होता है और कोई और लैपटॉप हम लेते हैं तो उस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग वगैरह भी इस चैनल पे आपको मिल जाएगी। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं इस लैपटॉप के फीचर्स। सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इस लैपटॉप का प्रोसेसर। दोस्तों ये जो लैपटॉप आता है ये इंटेल कोर i7 10th जनरेशन के साथ आता है, और जो मैं रिव्यू कर रहा हूँ उसमें इंटेल कोर i7 10870H लगा हुआ है। दोस्तों ये प्रोसेसर आपको 8 कोर और 16 थ्रेड्स के साथ मिल जाता है, और इसमें आपको 16 MB की L3 कैशे भी मिल जाती है। ये प्रोसेसर अभी सितंबर 2020 में अभी हाल फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, तो काफ़ी पुराना प्रोसेसर ये नहीं है, और इसमें आपको 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि एक बिल्कुल लेटेस्ट तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि लेटेस्ट तो आपकी 7 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी है जो कि AMD के राइजन प्रोसेसर में आ रही है, लेकिन 14 नैनोमीटर टेक्नोलॉजी होने के बाद भी ये काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे देता है, क्योंकि इसमें आपको बेस क्लॉक स्पीड मिलती है 2.2 GHz की, और जो इसमें आपको टर्बो स्पीड मिलती है वो है 5 GHz तक की। जी हाँ दोस्तों, इसमें सिंगल कोर टर्बो है जो कि 5 GHz की है, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस आपको देने वाला है। एक चीज़ माइंड में आ रही है, सोच रहा हूँ अभी आपको बता दूँ, इस लैपटॉप में आपको डिस्प्ले पोर्ट 1.4 और HDMI पोर्ट 2.0 मिल जाता है, यानी कि इसके साथ आप 2 और डिस्प्लेज आप कनेक्ट कर सकते हैं और अपने गेमिंग का जो है डबल मजा ले सकते हैं। तो आपके टोटल 3 स्क्रीन हो जाएंगे, 2 स्क्रीन आप एक्सटर्नल लगा सकते हैं और एक आपका लैपटॉप का स्क्रीन तो है ही, जो कि बहुत अच्छा स्क्रीन है, अभी मैं उसके बारे में भी इस वीडियो में आगे बताऊंगा। अब अगर इसके रैम की तरफ आ जाते हैं तो इसमें आपको 16 GB का इंटरनल रैम मिल जाता है जो कि DDR4 रैम है, और वो सिंगल चैनल रैम है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें आपको 8-8 GB की 2 स्टिक्स लगे हुए नहीं मिलेंगे, इसमें आपको 16 GB का ही एक स्टिक लगा हुआ मिलेगा। तो मेरा एडवाइस ये रहेगा कि आप लैपटॉप को खरीदने के बाद आप 16 GB का रैम और इसमें लगवा लें, जो इसमें एक आपकी रैम की स्लॉट खाली पड़ी है वहाँ पे 16 GB का एक रैम का स्टिक और लगवा लें, ताकि आपका टोटल 32 GB का ये सेटअप बन जाए, तो ओवरऑल आपके जो गेम्स हैं वो बहुत ही बढ़िया चलने वाले हैं। वैसे 16 GB पे भी आपके गेम्स बिल्कुल परफेक्ट चलेंगे, लेकिन आप अगर 32 GB कर लेते हैं तो वो डुअल चैनल रैम बन जाता है, और डुअल चैनल रैम की परफॉर्मेंस हमेशा सिंगल चैनल रैम के परफॉर्मेंस से काफ़ी बढ़िया होती है। दोस्तों अब अगर इसके ग्राफिक्स कार्ड की बात कर लेते हैं तो इसमें जो ग्राफिक्स कार्ड लगा है वो है NVIDIA का GeForce RTX 3060, जिसमें आपको 6 GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी भी मिल जाता है।
दोस्तों जो RTX 3060 है ये ग्राफिक्स कार्ड इसी साल जनवरी 2021 में ही लॉन्च हुआ है, तो बिल्कुल लेटेस्ट ग्राफिक्स कार्ड आपको इसमें मिल रहा है। तो RTX 3060 में जो आपको CUDA कोर्स मिलते हैं वो आपको 3840 मिलते हैं। अगर आप इसको कंपेयर करें GTX 1650 के साथ जो कि बजट गेमिंग लैपटॉप्स में लगा होता है, तो आपको बहुत ज़्यादा CUDA कोर्स इसमें आपको मिल रहे हैं। GTX 1650 में आपको 1024 CUDA कोर्स मिलते हैं, प्लस इसमें जो टेक्नोलॉजी है वो आपको 8 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मिल जाती है, और GTX 1650 में आपको 12 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी मिल रही थी जो कि पुरानी टेक्नोलॉजी है। तो इसमें आपको एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला ग्राफिक्स कार्ड मिल रहा है इतना बढ़िया, साथ में आपको 6GB का डेडिकेटेड ग्राफिक्स मेमोरी भी मिल रहा है, और ये ग्राफिक्स कार्ड आपको आपके ज़्यादातर AAA गेम्स में 80 से 90 की या फिर उससे ज़्यादा की FPS भी दे सकता है। और साथ ही साथ इस लैपटॉप में जो स्क्रीन लगा है वो आपके इतने बढ़िया FPS को हैंडल भी कर सकता है। तो दोस्तों अगर आपका GPU बहुत ही बढ़िया है, जैसे कि ये RTX 3060 जो कि बहुत ही बढ़िया FPS चर्न आउट कर सकता है, लेकिन अगर आपके लैपटॉप की स्क्रीन इतनी बढ़िया नहीं है, उसमें रिफ्रेश रेट इतना बढ़िया नहीं है, तो इतना बढ़िया FPS का कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि आप उस FPS को एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस लैपटॉप में जो स्क्रीन लगी है उसमें आपको 144 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट मिलती है जो कि रियली काफ़ी अच्छी है, और जो भी FPS ये GPU आपका चर्न आउट करेगा वो स्क्रीन सही तरीके से डिस्प्ले कर पाएगी और आप अपने गेमिंग का रियली बहुत ही बढ़िया मज़ा ले पाएंगे। तो दोस्तों इस लैपटॉप के डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट तो मैंने आपको बता दिया, लेकिन बाकी स्पेसिफिकेशंस जैसे कि इसमें 15.6 इंच का डिस्प्ले आपको मिल जाता है जो कि एक फुल HD डिस्प्ले है, और इसमें आपको IPS स्क्रीन मिलता है जो कि आपके गेमिंग के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। तो इस लैपटॉप की अगर हम बॉडी देखें तो ये लैपटॉप आपको पार्शियल एल्यूमिनियम मेटल बॉडी के साथ मिलता है, ब्लैक कलर की फिनिश के साथ ये आता है, और इसमें पीछे प्रेडेटर का लोगो दिया हुआ है आपके लिड के ऊपर, जिस लोगो के पीछे आपको ब्लू कलर की बैकलिट भी दिखती है, तो काफ़ी अच्छा गेमिंग का ये लुक देता है। और इसका जो मेटल है ये आपको स्क्रीन की लिड पे मिल जाएगा, प्लस आपको ये पाम रेस्ट पे मिल जाएगा, जो कीबोर्ड का जो फ्रेम है वो भी मेटालिक है, और जो आपका ट्रैक पैड है वो भी मेटालिक है। इस लैपटॉप का जो बेस है वो आपको प्लास्टिक का मिलेगा, लेकिन बहुत ही अच्छे क्वालिटी की प्लास्टिक है, और नीचे काफ़ी सारे वेंट्स दे रखे हैं एयर इनटेक के लिए, और इसके लैपटॉप के जो बाकी जो वेंट्स हैं एयर को बाहर थ्रो करने के लिए वो बिल्कुल आपके एसर नाइट्रो 5 की तरह ही हैं। जो पीछे वाले जो वेंट्स हैं बिल्कुल आपको एरोडायनामिक फीलिंग देते हैं, बिल्कुल एक फाइटर जेट की तरह, जैसे कि मैंने अपने एसर नाइट्रो 5 के अनबॉक्सिंग में आपको दिखाया था, बिल्कुल वैसा ही इसका भी जो है पीछे से वेंट्स हैं, और इसमें आपको पीछे की तरफ एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाएगा। बाकी इसके अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो इसमें आपको 3 USB टाइप ए पोर्ट्स मिल जाएंगे, एक USB टाइप सी पोर्ट मिल जाएगा, HDMI पोर्ट मिल जाएगा, डिस्प्ले पोर्ट मिल जाएगा, चार्जिंग पोर्ट तो पीछे है ही, LAN केबल वाला जो RJ45 वाला पोर्ट है वो भी आपको मिल जाएगा। तो आपको पोर्ट्स के मामले में आपको सारे जो बेसिक पोर्ट्स हैं इस लैपटॉप में आपको मिल जाएंगे। तो प्रॉपर 1 से 1.5 लाख के अंदर ये लैपटॉप एक प्रॉपर पैसा वसूल है। इस लैपटॉप को आप ज़रूर कंसिडर कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां जाके आप इसको चेकआउट कर सकते हैं। अगर इस लैपटॉप के कीबोर्ड को देखें तो इसमें आपको 4-zone RGB कीबोर्ड मिल जाता है, बिल्कुल हमारे Acer Nitro 5 की तरह। हाँ, आपको पर की RGB नहीं मिलता, आप हर एक की के पीछे बैकलाइट कलर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आपको कीबोर्ड के 4 zone मिल जाते हैं जहां पे आप जाकर 4 zone के अलग अलग कलर कर सकते हैं, या फिर अपने प्रीसेट्स वगैरह पहले से डिसाइड कर सकते हैं और अपने गेम के हिसाब से अपने प्रीसेट को चूज कर लीजिए, और उस हिसाब से कलर को रख के आप अपने गेम को एंजॉय कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया कीबोर्ड है, और इसमें प्रेडेटर सेंस नाम से जो सॉफ्टवेयर आता है वहां से आप कीबोर्ड के बैकलिट कलर को आप चेंज कर सकते हैं, स्टैटिक कलर भी कर सकते हैं, डायनामिक कलर भी कर सकते हैं, बहुत टाइप के ऑप्शंस आपको वहां पे अवेलेबल होंगे। Acer ने इसके कीबोर्ड के ऊपर एक टर्बो बटन प्रोवाइड किया है, उसको प्रेस करते ही इसके अंदर के जो फैंस हैं वो अपने टॉप स्पीड में चलने लग जाते हैं, और जो इसका प्रोसेसर है वो अपने टर्बो स्पीड में भी आ जाता है, और इसका GPU भी काफ़ी हाई स्पीड में चलने लग जाता है। तो आपके जो हाई परफॉर्मिंग गेम्स हैं उसके लिए ये मोड काफ़ी अच्छा रह सकता है। इसके स्पीकर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, हालांकि काफ़ी एवरेज टाइप के इनकी लाउडनेस है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे स्पीकर्स तो नहीं बोलूँगा, जैसे कि MSI का Leopard सीरीज का जो GL65 आता है उनके स्पीकर्स रियली काफ़ी लाउड होते हैं, लेकिन इसके स्पीकर्स भी बुरे नहीं हैं। आप जनरली गेमर्स जो होते हैं वो हेडफोन लगा कर ही अपने गेम्स वगैरह खेलते हैं, तो स्पीकर्स में ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ेगा भी नहीं। तो यही सारे इसके प्रोज थे,
यही सारे इसके पॉजिटिव्स थे जो मैंने आपको बताए। अब अगर इसके हम कॉन्स की बात करें यानी कि नेगेटिव्स की बात करें तो बहुत सारे नेगेटिव्स तो इस लैपटॉप के नहीं हैं। कुछ चीज़ें जो इस लैपटॉप के कॉन्स के बारे में मुझे पता लगी वो ये कि ये लैपटॉप काफ़ी हद तक स्क्रैच मैग्नेट और फिंगरप्रिंट मैग्नेट है, तो फिंगरप्रिंट बहुत ज़्यादा ये अट्रैक्ट करता है। और जैसा कि मैंने आपको अपने एसर नाइट्रो 5 के रिव्यू में बताया था, इसका भी जो चार्जर है मोस्ट प्रॉब्ली वो काफ़ी जो है इतने अच्छे क्वालिटी का नहीं होगा। जो वायर की लेंथ है चार्जर की वो भी इतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए, और HP वगैरह के लैपटॉप में जो वायर की लेंथ आती है बहुत ही बढ़िया आती है, इसमें मुझे लगता है कि वो वायर की लेंथ आपको चार्जर में नहीं मिलेगी। प्लस चार्जर जहाँ पे आपका चार्जिंग ब्रिक के साथ कनेक्ट होता है वो भी काफ़ी फ्रेजाइल और काफ़ी जो है नाजुक टाइप के लगते हैं, सही तरीके से लगता है जैसे कनेक्ट नहीं हुआ या फिर टूट सकते हैं। और इसका जो राइट एरो की है वो इसके नम पैड के ठीक अंदर डाल दिया है, तो वहाँ भी आपको यूज टू होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। और जो सबसे बड़ा कॉन मुझे इसमें पता लगा कि ये कुछ गेम्स में काफ़ी ज़्यादा हीटअप हो जाता है, 90 से 95 डिग्री सी तक इसकी जो है टेम्परेचर चली जाती है। वैसे नॉर्मल ब्राउजिंग में करीब 40 से 45 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर रहता है, लेकिन कुछ गेम्स में इसका टेम्परेचर 90 से 95 चले जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। आपको कीबोर्ड के ऊपर वो जो हीट है वो फील होती है। हालांकि इन्होंने कीबोर्ड के ऊपर भी कुछ वेंट्स दे रखे हैं, तो ओवरऑल मेटालिक बॉडी है, कीबोर्ड का जो फ्रेम है वो भी मेटालिक है, इसलिए कीबोर्ड वाले सेक्शन में सुनने में आया है कि थोड़ा सा ये हीटअप ज़्यादा हो जाता है जब आप अपनी गेम्स वगैरह खेलते हैं। तो ज़्यादा टेम्परेचर जाने का ये आपको नुकसान हो सकता है कि आपका जो प्रोसेसर है वो थ्रॉटल मोड में चले जाता है और अपनी परफॉर्मेंस को वो खुद ब खुद डाउन कर लेता है, अपनी स्पीड को वो डाउन कर लेता है ताकि वो अपने को डैमेज होने से बचा सके। लेकिन इसके अलावा बाकी इसमें और कोई मुझे कॉन इसमें दिखा नहीं। काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लैपटॉप है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है, वहाँ जाके आप इसको चेकआउट कर लीजिए। तो दोस्तों नीचे कमेंट करके अपने विचार भी बता दीजिएगा, आपको ये लैपटॉप कैसा लगा, क्या ये लैपटॉप लेने का फाइनल डिसीजन लिया जा सकता है या नहीं। तो आपको इस लैपटॉप की अनबॉक्सिंग भी दिखाई जाएगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक और शेयर भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी नए प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।